शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया है। अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। ये वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में 5.32 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन विगत 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में भी 25.35 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि विगत 5 वर्षों के 23.82 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 3.14 मिलियन टन अधिक है। वहीं इसी बीच सरकार ने मूंग पर सख्ती बढ़ाई है। सरकार ने मूंग के इंपोर्ट पर रोक लगाई है। सरकार ने मूंग को फ्री ट्रेड पॉलिसी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाला है। सरकार का ये आदेश 11 फरवरी 2022 से लागू हो गया है। बात करें अगर चने की, तो 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान में सरकार ने चने का 13.12 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट समेत कई फसलों के लिए उसके बावजूद चने का उत्पादन ज़्यादा रखने का अनुमान लगाया है। बात करें अगर चने की कीमतों की, तो बाज़ार में चने की कीमतें MSP के इर्द गिर्द ही देखने को मिल रही है। किसान सरकार को चना ना बेचकर निजी व्यापारियों को ज़्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि खरीद केंद्रों पर सरकारी खरीद केवल तभी होती है जब गुणवत्ता मानकों से मेल खाती हो। किसानों का कहना है कि अभी कीमत तो MSP से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 200-300 रुपए कम भी रहे तो व्यापारियों को बेचना ही फायदेमंद रहता है। सबसे खास बात यह है कि भुगतान तुरंत हो जाता है, यहाँ गुणवत्ता मानकों का झमेला भी नहीं होता है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने चने का उत्पादन अनुमान भले ही ज़्यादा लगाया हो, लेकिन सरकार दालों का आयात भी कर रही है, जिससे किसानों को हानि हो रही है। किसानों को उनकी MSP नहीं मिल पाती। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को दालों का आयात रोकना चाहिए, जिससे किसानों को MSP मिल सके। एक तरह तो सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ आय भी कर रही है। इससे भारतीय किसानों की उपज MSP पर नहीं बिक पा रही है। इससे भारतीय किसानों को फ़ायदा ना होकर विदेशी किसानों को फ़ायदा हो रहा है। व्यापारियों के अनुसार किसानों को पहले अपने देश के किसानों की उपज MSP पर खरीदारी करनी चाहिए, फिर आयात की ज़रूरत पड़ने पर आयात करना चाहिए। अपने देश के किसान की फसल ना खरीद कर विदेशों से आयात करने से किसानों का मनोबल टूट जाता है, और शायद यही कारण है कि किसान अच्छी कीमतों के लिए निजी व्यापारियों को ज्यादा और सरकार को अपनी उपज कम बेचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी।